हेलो व्यूवर्स, दिस इज सुशांत एंड यू आर वॉचिंग लाइफ इज ऑसम। तो आज देखिए, मैं आपको 13-15 नॉर्थ फेस हाउस प्लान बताना चाहता हूँ। सो इसमें इस वीडियो के अंदर देखिए इसका टोटल एस्टिमेशन, इसका कितना कॉस्ट आएगा खर्चा, प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने फ्लोर तक चले जाएगा और कितने मैम का बार यूज़ करना चाहिए, फुटिंग, एक्सकेवेशन, रूम पोजिशन, डिटेल्स बताना चाहता हूँ। और फुटिंग के अंदर कितना बार्स चाहिए, कितने एमएम का बार यूज़ करना चाहिए, उसका डिटेल्स बताना चाहता है। यहाँ वीडियो जो है आप अंत तक देखिए और जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट। यह है नॉर्थ फेस, इस तरह से प्लान दिखेगा। तो यह है इस तरह से टॉप व्यू ऑफ द प्लान। यहाँ से एंट्रेंस रोड है और बाकी का जो है हॉल, लोबी, किचन। मैं इसे जो है टिल्ट करके दिखाना चाहता हूँ। सो दिस इज द प्लान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एंटर होते हैं, रोड है यहाँ पे, रोड। सो दिस इज द नॉर्थ फेस रोड। यहाँ से एंटर हो गए, पूरा जो है कंप्लीट पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया के बाद यहाँ पे एक वेल है, कार पार्किंग वेल। और इधर जो है स्टेयरकेस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है स्टेयरकेस है। एंड इसके नीचे जो है सेपरेट टैंक। ये जो है वेस्ट एंड नॉर्थ कॉर्नर एरिया। सो यहाँ सेपरेट टैंक है। और फिर यहाँ से एंटर हो अंदर, हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है फॉर मिनी फैमिली मेम्बर्स। अब कोई गेस्ट आया है तो काफ़ी सफिशियंट है यहाँ पे। तो हॉल है 11x6x21 का हॉल है टोटल कम्प्लीट यहाँ से यहाँ तक। एंड यहाँ से एंटर हो गया अंदर, तो ये लोबी एरिया, जैसे कि राइट और लेफ्ट में जाने के लिए। बिफोर गोइंग टू दिस पोर्शन, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू द डाइनिंग एरिया और किचन। तो यहाँ एंटर हो गए किचन, किचन और डाइनिंग एरिया में एंटर हो जाते हैं। सो इधर जो है आप बड़ा सा आर्क MDF शीट लगा के फर्नीचर में बना सकते हैं यहाँ पे। यहाँ जो है किचन 20 feet 6 inches x 9 feet 9 inches। सो मोटाई में जो है 9 feet 9 inches है, किचन लंबाई में जो है 20 feet 6 inches है। उसके अंदर ये जो है किचन और डाइनिंग एरिया दोनों आ गए। और यहाँ पे एक डोर है, जैसा ऑफसेट देख सकते हैं यहाँ पे, साउथ साइड है, साउथ साइड ऑफसेट जो है 22 feet का ऑफसेट है। सो पूरा कंप्लीट कंपाउंड वॉल जितना भी है ना, वहाँ से आप घूम सकते हैं आराम से इस तरह से। अब दोबारा डाइनिंग और किचन मिला के 20 feet 6 inches x 9 feet 9 inches हो गया। तो यह है लोबी 7 feet 6 inches का मोटाई में इतना। फिर यहाँ हो गए, इधर जो है राइट में और लेफ्ट में, राइट में बेडरूम नंबर 2, लेफ्ट में जो है बेडरूम नंबर 1। जैसा बेडरूम नंबर 1 का साइज जो है 12 x 10 feet 9 inches, 12 x 10 feet 9 inches। इसी के अंदर एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ, जिसका साइज 3 feet 9 inches x 7 feet, इस तरह से जो है 3 feet 9 inches, इस तरह से 7 feet। फिर यहाँ से एंटर हो गए, आपके राइट में जो है और एक बेडरूम नंबर 2, 10 feet 6 inches x 10 feet 9 inches। यहाँ जो है एंट्रेंस डोर है, अटैच टॉयलेट एंड बाथ, 4 feet 6 inches x 7 feet। यहाँ हो गया। और एक चीज़, यहाँ पे रूम है ना, इसे आप बेडरूम नंबर 3 तो बना सकते हैं, या फिर एक स्टोरेज एरिया नहीं, एक बेडरूम नंबर 3 समझ लीजिए इसको, 12 x 10 feet 9 inches का जो है बेड और एक एक्स्ट्रा बेडरूम। और अभी इसका एस्टिमेशन देखिए दोस्तों, टोटल एरिया बन जाएगा अराउंड 1500 square feet। तो इसका एस्टिमेशन है 24 lakh तक इसका टोटल एस्टिमेशन। और ऑफसेट एरिया एट ईस्ट साइड 2 feet 6 inches, साउथ साइड 2 feet है, इस वेस्ट साइड जो है 3 feet 6 inches। यहाँ पे वेल है। अभी मैं आपको कॉलम पोजीशन दिखाना चाहता हूँ। सो कॉलम्स देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नंबर ऑफ कॉलम्स। आप एक्स्ट्रा चाहिए बोले तो लगा सकते कहीं और। तो कॉलम्स हो गया। अभी फुटिंग एक्सकेवेशन के डिटेल बताना चाहता हूँ मैं आपको, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जैसा कॉलम का साइज़ है 9x15 इंच का कॉलम्स।
9 बाय 15 इंच के अंदर फुटिंग कितना स्क्वेयर फिट करना चाहिए, ऐसे लेंथ में 4 फिट, विड्थ में भी जो है 4 फिट, डीप में जो है डिपेंड करता है कहाँ पे जो है हार्ड स्टार्टर लगता है वहाँ पे। आइडिया है पीसीसी बेड, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेड। सो प्लेन सीमेंट कंक्रीट इन द रेशियो 1:4:8। एंड यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक एंटर हो गए, मतलब बार्स आ जाएंगे यहाँ पे, जाली समझ लीजिए आप। पीसीसी बेड डालने के बाद ये जाली बिठाते हैं 10 mm बार्स एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर। एंड यहाँ पे जो है टॉप व्यू ऑफ द कॉलम, सो टॉप व्यू में देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ जो है 16 mm बार्स। तो इस कॉलम साइज के लिए कितना फ्लोर तक चले जाएगा, सो अराउंड 3 to 4 तक इजीली चले जाएगा विद प्लिंथ बीम डालने के बाद। एंड कवरिंग दीजिए 1.5 इंच का, सेम उसी तरह स्टिरअप्स पे आते हैं। कॉलम क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, सो क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम में देखिए दोस्तों, स्टिरअप्स एट 8 mm स्टिरअप्स एट 7 इंच सेंटर टू सेंटर और ग्राउंड लेवल के नीचे एक्स्ट्रा, जैसा ये जो है इस जाली को जॉइंट हो जाएगा। तो 12 इंच, दिस इज द ग्राउंड लेवल। तो दिस इज द प्लान ऑफ फुटिंग एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, टॉप व्यू ऑफ द कॉलम। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इस प्लान के बारे में, आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं या फिर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे, तो ज़रूर मेरे चैनल पे आप कमेंट कर दीजिए वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, और मुझे भी समझ में आएगा आपको किस तरह से वीडियोस चाहिए इन फ्यूचर में। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी कंस्ट्रक्शन।